जनजन की आवाज़ जीएन भारत में आपका स्वागत है। और जैसा हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि ईडी बहुत दिन से बिल्कुल शांत शेर की तरह सोई हुई थी। जी हाँ, लेकिन कहते हैं ना, यह शांत जो सोया हुआ शेर जो होता है और भी खतरनाक होता है, क्योंकि एक बार जब दहाड़ता है तो न जाने कितनों को अपनी चपेट में ले लेता है। और जैसा हमने आपको इस अभी बताया था कि बाज की नज़र जो ईडी की है, वो आप इंडिया के किसी कोने में जाके छुप जाए, ईडी आपको ढूंढ निकालेगी। जी हाँ, बहुत बड़ी एक्सक्लूसिव खबर जीएन भारत आपको देने जा रहा है। सबसे पहले और सबसे तेज कि पंकज मिश्रा, जो कि सीएम हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि है, उनको हिरासत में लिया गया है। आपको बताते हैं, निशिकांत दुबे, गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे ने भी तंज कसा है और ट्वीट करते हुए उन्होंने कहा है कि भागते भागते आखिर उत्तराखंड के ठंड मौसम में पंकज मिश्रा मिले, ईडी आखिर वहां तक पहुंची गई। तो ये अब निशिकांत दुबे ने भी ट्वीट किया है। और जो खबरें आ रही है कि ये बात सच है, उनको हिरासत में ले लिया गया है। ईडी की टीम उत्तराखंड से उनको लेकर दिल्ली लेकर आई है और दिल्ली के ईडी ऑफिस में लगातार पूछताछ जारी है। आपको बताते चले कि सुबह 5 बजे से ही ईडी उनके साहिबगंज वाले घर में पहुंच गई थी और उनके करीबन 9-10 ठिकाने में, और होटल हो गए, रेस्टोरेंट हो गए, ज्वेलरी शॉप हो गए, ऐसे कई सारे ठिकानों पर छापेमारी सुबह से ही चल रही है। इस छापेमारी में क्या कुछ निकल के सामने आएगा, वो हम आपको उसकी भी अपडेट के लिए बने रहिएगा जीएन भारत के साथ। लेकिन ये बहुत बड़ी एक्सक्लूसिव खबर है, क्योंकि ये वही पंकज मिश्रा है जिन्होंने ईडी को चुनौती दे डाली थी। ये वही पंकज मिश्रा है, उन्होंने कहा था हिम्मत है तो ईडी मेरे पास आकर, मेरे पास नहीं आ सकती, ऐसी तरह की बातें, और भागे चल रहे थे। जी हाँ, हमेशा वो रांची या साहिबगंज में ही रहते थे, लेकिन भागते भागते नहीं पता कैसे तो वो उत्तराखंड चले गए। लेकिन कहते हैं ना, ईडी भी पीछे पीछे उत्तराखंड चलेगी, और अब फाइनली दिल्ली में उनकी पूछताछ जो है वो जारी। यानी जो पूजा संकल्प प्रकरण से जो ये सारा मामला जोड़ के देखा जा रहा है, पूजा मैडम अंदर गई तो गई, लेकिन अपने साथ ना जाने और कितने लोगों को लेके जाएगी, ये देखना बहुत ही दिलचस्प। लेकिन अब मैं आपको बता रही हूँ, पंकज मिश्रा बहुत बड़ी मछली है, ये इनका हाथ में आना अपने आप में सियासत के सियासी गलियारे में भूकंप लाने के लिए काफी है, क्योंकि इनका तार, और ये आप समझ सकते हैं, ये सीधा सीएम हेमंत सोरेन के प्रतिनिधि है। यानी इनसे कोई खुलासा होता है तो कहीं ना कहीं सीएम हेमंत सोरेन का सर का दर्द जरूर बढ़ सकता है। आपको बताते चले, बहुत दिन से ईडी बहुत शांत थी, लेकिन अब जिस तरीके से फॉर्म पे वापस ईडी आई है, देखना दिलचस्प होगा अगला निशाना कौन होता है। तमाम अपडेट के लिए बने रहे जीएन भारत के साथ, मैं बजाज राशिका के साथ शिखा श्रेया, धन्यवाद। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।